बंगाल के चुनावी मौसम में आज किसान मोर्चा के नेता भी गरजने वाले हैं। कोलकाता और नंदीग्राम में बड़ी महापंचायत बुलाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। साथ ही अब बंगाल किसान मोर्चा का भी जिक्र करें तो आज किस तरीके से महापंचायत को अंजाम दिया जाएगा ये भी आप देखिए। दिल्ली में 100 दिनों से भी ज्यादा आंदोलन करने के बाद किसानों ने अब बंगाल के चुनावी अखाड़े में दस्तक दे दी है और नारा दिया है बीजेपी हराओ। बीजेपी बंगाल में चुनाव हारती है तो उसका घमंड टूटेगा और मोदी जी को किसानों की बात माननी पड़ेगी। बस मेरी तो एक ही विनती है, कमल के फूल को वोट देने की भूल ना कर। इसी नारे के साथ आज पश्चिम बंगाल में किसानों ने दो महापंचायतें बुलाई हैं। आज सुबह 11 बजे से कोलकाता के मायो रोड पर किसान महापंचायत होगी। इसके बाद शाम 4 बजे से नंदीग्राम में किसान महापंचायत की जाएगी। किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट किसी पार्टी वास्ते वोट नहीं मंगांगे, उत्थे 3-4 पार्टियां और भी हो सकती हैं। असि सिर्फ ते सिर्फ बीजेपी का विरोध करने ले जावांगे। किसानों ने कोलकाता प्रेस क्लब में गांधी प्रतिमा से रामलीला मैदान तक एक कार रैली भी निकाली और कोलकाता की सड़कों से बीजेपी को चैलेंज किया। सीधा सीधा संयुक्त किसान मोर्चा का एक एजेंडा है कि किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए। तो महापंचायत पर क्या है ताजा अपडेट, इसके लिए आपको सीधा हमारे संवाददाता रणवीर के पास लेकर चलते हैं। रणवीर, किसान मोर्चा अब बंगाल की सियासत में भी एंट्री उनकी हो रही है, तो क्या इस बार सोनार बांग्ला बनाने के लिए निकल चुकी है ये मोर्चा और कोलकाता में इस वक्त किस तरीके का ये पूरा रवैया और किस तरीके से महापंचायत को अंजाम देना है? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले ये पूरा महापंचायत का अभियान जो है वो कोलकाता से शुरू हुआ है और यहाँ से निकलकर नंदीग्राम, उसके बाद कल सिंगूर और आसनसोल पहुँचेगा और इसके बाद की स्ट्रेटजी आगे घोषित की जाएगी कि पश्चिम बंगाल के किन किन ज़िलों में ये लोग पहुँचेंगे। और आपको बताएं कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक कार रैली निकाली गई और कार रैली के बाद एक सभा की गई रामलीला मैदान के पास और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक अपील कि बीजेपी को किसी तरीके से हराएं, क्योंकि इस आंदोलन में शामिल होने वाले नेताओं का कहना है कि अगर बीजेपी एक और स्टेट जीतती है तो कहीं ना कहीं वो मजबूत होगी, इस वजह से वो अपील करने जाएंगे लोगों के बीच में। और लेकिन रणवीर, सवाल ये है, रणवीर सवाल इस महापंचायत से सबसे बड़ा यही है कि क्या बीजेपी को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है या फिर किसानों का कुछ और एजेंडा है? देखिए, 26 जनवरी को जो हुआ था वो सबने देखा और उस हिंसा के बाद लगा कि किसान आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन राकेश टिकैत वो नेता हैं जिनके आंसू ने इस आंदोलन को बचाया। ऐसे में राकेश टिकैत को आगे करके ये जो किसान मोर्चा है वो चाहता है कि किसी भी तरीके से किसानों तक और गांव में रहने वाले लोगों तक एक मैसेज पहुँचाया जाए कि अगर बीजेपी आती है तो वो मजबूत होगी और कृषि बिल जो हैं, जो 3 जिनका विरोध हो रहा है, वो वापस नहीं होंगे। ऐसे में लोगों के बीच जाना और ये कहना कि हम बीजेपी का खिलाफत करने आए हैं, ये नहीं कहने आए हैं कि आप किसको वोट दें। लेकिन इसमें अगर आप चेहरों को देखेंगे तो सीपीएम के नेता हैं, सीपीआई के नेता हैं और तमाम सारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी इसमें शामिल हैं और कल मेधा पाटेकर भी इसमें शामिल थी जो शाम को ममता बनर्जी से मिलने पहुंची। ऐसे में जिनका रुख हमेशा बीजेपी के खिलाफ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ABP News आपको रखे आगे।